यार, दिल्ली के हालात इतने ज्यादा खराब हैं और मुख्यमंत्री बेंगलोर जा पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? बहुत हालत खराब है यहाँ के। क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री तो यहाँ अवेलेबल नहीं है, मुख्यमंत्री तो मीटिंग कर रहे हैं बेंगलोर में जाकर कांग्रेस और अन्य पार्टियों। मुख्यमंत्री को कोई मतलब नहीं है, जनता मर रही है, मरने दो। ना पानी है, ना बिजली है, ना कुछ है, कोई भी नहीं है। बहुत परेशानी हो रही है। केजरीवाल तो अपने ऑफिस में जाके सो जाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है पब्लिक मरे या जिए। मुख्यमंत्री कहते हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को हराएंगे। 24 कुछ भी नहीं हरा सकते, ये भी सीटें हारेंगे, ये भी सीटें हारेंगे। सातों सीटें जीतेंगे हम, क्या कोई भी नहीं जीतेंगे, ये हारेंगे, ये नहीं नहीं कोई भी नहीं जीतेंगे। कहते हैं कि हमारी पढ़े लिखों की सरकार है, क्या आपको लगता है कि ये पढ़े लिखों की तरह काम किया? घायलों की सरकार है, हाँ, इन्हें कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता इन्हें। दिल्ली को लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे। बना तो दिया, झीले बना दी, नहीं पूरे पूरी दिल्ली में झीले बना दी उन्होंने। देखो कितनी झीले थी, ना पानी है पीने के लिए, पांच पांच मंजिल में बच्चे चला रहे हैं, चट्टे पानी चला रहे हैं, पानी है ही नहीं। समस्या आती है, आरोप लगाए जाते हैं कि मोदी जी काम करने नहीं दे रहे। कभी तो पानी में एल्युमिनियम ज्यादा हो जाता, कभी कुछ हो जाता, बस यही बहाने हैं कि मोदी जी काम करना नहीं दे रहे। अरे मोदी जी क्या करेंगे इसके अंदर? को लेकर भी उन्हीं के नेता ये कह रहे हैं, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, कह रहे हैं मोदी जी और उपराज्यपाल जो है वो जानबूझकर ऑर्डिनेंस के मामले पर आम आदमी पार्टी को झूठ बोलते हैं, सब झूठ है ये। अभी हमारे डिप्टी मेयर RML और प्रवीणपाल जी बाहर भाग गए, उन्हें मालूम था। हाँ, जिम्मेदारियों से भागने वाली पार्टी के लिए क्या कहेंगे आप दिल्ली के लोग? हाँ, हराएंगे इन्हें हम, 24 में हराएंगे। हाँ बिल्कुल, तो सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, कोई भी सीट नहीं आएगी इनकी, सब हारेगी। बहुत पब्लिक परेशान हो गई है सर। एक तरफ सुनिए सर, एक तरफ दिल्ली में इस तरीके के हालात हैं और मुख्यमंत्री बेंगलोर जा पहुंचे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री बन, उनका तो टूरिज्म चल रहा है बस, वो कंपेनिंग में ही है, उनको कुछ नहीं पता दिल्ली में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें तो अपनी कंपेनिंग से मतलब है, बस वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं और करते ही रहेंगे। क्योंकि उन्होंने जब 2014 में आए थे, उन्होंने बोला कि हम बच्चों की कसम खाते हैं, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, और बच्चों की कसम खाता हूँ मैं कुछ नहीं लूँगा। आज देखो क्या हाल है, 45 करोड़ रुपया अपने बंगले में लगाया है उन लोगों ने, तो ये सब भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। केजरीवाल कहते हैं मोदी जी भ्रष्टाचारी हैं, हम उन्हें हराएंगे, 2024 में प्रधानमंत्री बने। वो कुछ नहीं हो सकता है ऐसा, जो सच्चा है वो सच्चा ही रहेगा, जो सच है वो सच रहेगा। मोदी जी फिर 2024 आ रहे हैं, कांग्रेस के साथ हाथ मिला चुके हैं केजरीवाल और आज बेंगलोर में मीटिंग कर रहे हैं। बेंगलोर में मीटिंग कर रहे हैं कांग्रेस के साथ और कह रहे हैं इस बार विपक्षी हारेंगे। केजरीवाल वो किसी के साथ भी जा सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ वो खुद अपने आप में, जब रामलीला ग्राउंड में वो पैदा हुए थे, रामलीला अन्ना हजारे के आंदोलन में जब वो पैदा हुए थे, उन्होंने बहुत सी चीजें ऐसी कही थी कि जी हम ये ऐसे नहीं जाएंगे, हम नेतागिरी नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, और पत्नी क्या क्या नहीं करेंगे। उस आदमी का कोई विश्वास नहीं है जो बच्चों की कसम खा के और फिर वो झूठ बोले, तो उसका कुछ नहीं, कुछ नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री दिल्ली को इस कदर छोड़कर बेंगलोर में विपक्ष की बैठक में जा रहे हैं, इन्हें सोचना चाहिए, आपदा यहाँ पर है, ठीक है। और इनके एक प्रेजेंट काउंसिलर राकेश कुमार जी कहते हैं कि इलाके के अंदर जो मटिया मेल विधानसभा भेदभाव हो रहा है, यहाँ पर भेदभाव ये हो रहा है जो इनके जान पहचान के लोग हैं, सिर्फ टैंकर उनके यहाँ आ रहा है, आम जनता के पास टैंकर नहीं आ रहा, क्योंकि पानी की शॉर्टेज है ही पीछे से, ये उन लोगों को टैंकर दे रहा है जो इनके अपने हैं, बाकी किसी को टैंकर नहीं दे रहा है। अगर हम इल्ज़ाम लगाते तो गलत बात थी, इनके जो राकेश कुमार जो विधायक हैं ये आपके सीताराम बिहार से, अब वो लगा रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है कि यहाँ पर इन्होंने हिंदू मुस्लिम कर दिए, जबकि यहाँ कभी कोई ऐसी बात नहीं है, सब मिलजुल के प्यार से रहते हैं, कभी कोई बात नहीं। बोरिंगों की बात बिल्कुल जायज़ है कि कुछ जगहों पे ज़्यादा बोरिंग हुई है और कुछ जगहों पे बिल्कुल कम बोरिंग हुई है। इधर का जो एरिया मटिया मेल का, इधर का एरिया इधर नहीं है, इधर हुई भी ज़्यादा, और सीताराम बाजार साइड बहुत कम बोरिंग है। लोगों को रात रात भर 24 घंटे एक एक बाल्टी के लिए पानी की लाइन लग के लोगों को पानी लेना पड़ रहा है। जो इनके कार्यकर्ता है, एजेंट हैं, उनको सिर्फ पानी आ रहा है, उनके फ़ोन उठाए जा रहे हैं, और सख्त ऑर्डर हैं अफसरों को कि अगर विधायक फ़ोन करें, विधायक के जो कार्यकर्ता हैं वो फ़ोन करें, उनको पानी दिया जाए, बाकी किसी को पानी नहीं दिया जाए, जो इनको सपोर्ट नहीं करेगा उसे पानी नहीं देंगे। के हालात अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के कर रखे हैं और उस पर वो सोच रहे हैं कि 2024 में दिल्ली की जनता उन्हें सातों सीटें जिताएगी। सातों पहली बात तो शुरू से सपना देखते हैं वो, और सपना देखने में कोई बुराई नहीं है, वो सोचें
कोई दिक्कत नहीं, सातों तो क्या भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरे बहुमत से ऊपर सीटें लाके आपके से उससे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ के दिखाएगी। ये वर्ल्ड में मैसेज जाएगा प्रधानमंत्री जी का, जो कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसको लेके चलते हैं। लेकिन अभी आप लगाइए दिल्ली के अंदर, इनका एक काउंसिलर कहता है कि यहाँ पे मटिया महल विधानसभा में भेदभाव होता है। हम तो नहीं कह रहे ना ये बात, उनका राकेश कुमार जी कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं वो कि कितना भेदभाव हो रहा है पानी के लिए, लोग बाग इतना परेशान है, यहाँ गंदगी इतनी है कि इंसान ऐसे रहता है जैसे खत्ते के पास रहता हो। बिल्कुल हम इतने दुखी हैं यहाँ, हमें मोल मोल का पानी लेके खरीदना पड़ रहा है, टैंकर तक के खरीदना पड़ रहा है। ये देख लो लोग बीमार हैं, चार चार मंजिल पे पाँच पाँच मंजिल पे घर रहते हैं। अब पाँच मंजिल वाले को पूछो किस तरीके से एक बाल्टी पानी लेके ऊपर जाना है। यहाँ जिंदगी खराब हुई, कितने टैंकर आए कागजों में दिखा दिया कितने टैंकर आए। तो ये कहती है आम आदमी पार्टी के मोदी जी या फिर उपराज्यपाल जी, हमें काम करने नहीं दे रहे हैं, दिल्ली को तो हम लंदन पेरिस बनाना चाहते हैं। जो काम ये बिगाड़ रहे हैं ना उपराज्यपाल जी, उन कामों को ठीक कर रहा है, वो जनता की मदद कर रहा है। इन्होंने झूठी अफवाह फुलाई कि वहाँ हथनीकुंड डैम से इस तरीके से पानी इधर छोड़ना इधर छोड़ना, जबकि सबको पता है वो जगह छोटी है, वहाँ पानी की कितनी निकासी होनी थी। अब बरसात इतनी आई है, पीछे आपदा आई है, क्या करें। जबकि केंद्र सरकार पूरी सपोर्ट कर रही है दिल्ली को, यहाँ पर जो हमारे MP साहब हैं हमारी उनसे ही बात हुई है, वो भी हमें पूरी सपोर्ट कर रहा है, हर्षवर्धन जी भी, और पार्टी के सारे कार्यकर्ता दिनों रात पुरानी दिल्ली के अंदर लगे हुए हैं। लेकिन ये क्या हमें ना पानी लेने दे रहा है ना हमें काम करने दे रहा है। हमें तो धमकाया जाता है इस इलाके के अंदर, हम भारतीय जनता पार्टी का काम क्यों कर रहा है, हमें तो ये भी कहा जाता है। हम आपको बताएं हमारे साथ बहुत बेवा, हमने उस पर कार्रवाई करी है, ये आपदा के बाद उस पर भी कार्रवाई करेंगे। कौन कौन लोग हमें परेशान कर रहा है, आदमी पार्टी के नेता आपको परेशान कर रहे हैं कि आप ऐसा मुस्लिम बीजेपी को सपोर्ट। हाँ क्या हम क्यों करते हैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट, कि इनका इनका हम पे जोर चल रहा है। जब प्रधानमंत्री जी हमें अनाज मिल लिया, हमें सारी सेवा मिल रही है, रोड से लेके हर चीज़ से लेके हमें सब चीज़ मिल रही है, सबका साथ सबका विकास, और पसमंदा समाज की जो बात उठाई थी सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने उठाई है, आज तक किसी पार्टी ने पसमंदा समाज को हमेशा नीचे ही धकेला है, वोट हमसे लिया है, हमारे लिए क्या करा है, कभी कुछ करा ही नहीं है। पसमंदा समाज फिर क्या कहेगा अरविंद केजरीवाल के लिए, सबसे ज़्यादा अगर हम आबादी देखें तो पसमंदा मुसलमानों की है, तो क्या जवाब रहेगा इस समाज का 2024 में अरविंद केजरीवाल? खुलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ है पसमंदा समाज तो खासकर, क्योंकि वो इतना दुखी था। हमारे लिए हुआ क्या है 70 साल में, हमें कितनों को नौकरियां मिल गई, कितनों को हमारे बच्चे कहाँ पढ़ा दिए। हम मजदूर हैं, हम मजदूरी करके खाते हैं, रोज खाते हैं रोज कमाते हैं, हमारा काम है मेहनत करके खाना। क्यों केजरीवाल ने क्या दे दिया हमारे को, कुछ नहीं। आज भी यहाँ पे हम खत्ते की ज़िंदगी जी रहे हैं, पुरानी दिल्ली में अपने मेहमान नहीं बुला सकते, यहाँ लोगों के रिश्ते नहीं होते, शादियाँ नहीं होती हैं, गंदगी देख के आप सुबह अगर आएंगे ना आप उल्टियाँ कर देंगे। यहाँ पर आप आन के देखिए इस बाजार का क्या हाल कर रखा है इन्होंने, और हकीकत बात है पानी भेदभाव दे के दिया जा रहा है। हमें तो यहाँ रहता हूँ, मुझे तो भारतीय जनता पार्टी से काउंसिलर का टिकट मिला, मैं यहाँ से लड़ाऊँ, हमारे साथ हमारे फोन नहीं उठाया जा रहा है, पानी नहीं दे रहा, क्यों भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए। पसमंदा समाज के लिए सिर्फ मोदी जी ने काम किया है, पर आज तक जितनी भी पार्टियों की सरकार केंद्र में रही है राज्यों में रही है, आज तमाम पार्टियां बेंगलोर में मीटिंग कर रही हैं और प्लानिंग की जा रही है उनकी तरफ से कि 2024 में मोदी जी को कैसे हराना। उनको सोचने दो, हराना क्या है, आप किसी भी मुस्लिम एरिया में चले जाइए कहीं भी पूछ लीजिए, आज इतना इतने लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए तैयार हैं जिसकी हद नहीं। अभी अफवाह फैलाते रहे, वो कहते हैं ना कि जितना भी जमा करना है इन्हें करते रहे, कोई फर्क नहीं है।